हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी क्यूब एडुकेयर। मैं चिराग, आज आपको मैं एडवांस रिसिप्ट और सेल्स इनवॉइस नेक्स्ट मंथ एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। इससे पहले मैं एडवांस रिसिप्ट और सेल्स इनवॉइस सेम मंथ एडजस्टमेंट बता चुका हूँ, तो यह थोड़ा लेंथी टॉपिक है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं अकाउंटिंग वाउचर में आया, यहाँ मैंने F6 प्रेस किया और मैंने ऑल्ट वी एंटर कर दिया, जिससे एडवांस रिसिप्ट का पार्ट आ चुका है और पार्टी से मुझे एडवांस मिल रहा है, जो कि आप पहले समझ चुके हो। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इसमें ये पार्टी जो डेटर्स है, मैंने इसका नाम नवीन ऑटो सेंटर लिख दिया है। कंप्यूटर प्रिंटर जो पहले मैं स्टॉक आइटम दूसरे ही बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, चाहे कोई सा भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कंप्यूटर प्रिंटर सेलेक्ट किया और 10,000 लिख। टैक्स की रेट सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अपना 1800 अमाउंट आ चुका है, तो ये एडवांस मिल गया। और यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ ADV 1, ताकि इसको डिनोट कर सकूं। अब अगर मैंने सेल्स इनवॉइस जुलाई के मंथ में ही इश्यू नहीं किया, तो फिर मेरी दिक्कत ये हो जाएगी कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी 31 जुलाई को, जिसको मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 31 जुलाई को टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने की एंट्री करूंगा। बट इससे पहले आप एक बार देख सकते हैं कि डिस्प्ले रिपोर्ट जीएसटी में, GSTR 1 में जब आप जाओगे तो वहां आपको टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस दिख जाएगा। आप ऑल्ट वी डिफॉल्ट व्यू करके भी देख सकते हैं, लोकल सेल्स टैक्सेबल आपको दिख रहा है। ऑल्ट F1 करके आप डिटेल भी देख सकते हैं, एडवांस रिसीप्ट आपको दिख जाएगा। अब आप पीछे आ जाइए, अब हमें 31 जुलाई को एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, तो हम F2 से डेट 31 जुलाई चेंज कर लेते हैं और F7 एंटर करते हैं। F7 जनरल में हमें ऑल्ट जे स्टेट एडजस्टमेंट दिखेगा, तो हम ऑल्ट जे प्रेस कर देते हैं। टाइप में GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट मैंने बताया कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी कर देंगे और एडिशनल डिटेल में कर देंगे कि ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, या हम अमाउंट में बाय साइड में टैक्स ऑन एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे। और टोटल अमाउंट हमारा बन रहा था 1800, तो हम यहाँ 1800 लिख देंगे। टू में CGST 900 और SGST 900 जो आ चुकी है वो लिख लेंगे। ये आपका 1800 का पार्ट हो चुका है, जो कि आपका लायबिलिटी का पार्ट। अब आप चाहे आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, वो शो हो जाएगा। इससे पहली एंट्री से बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा था, तो हमने ऑल्ट F1 किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको 1800 शो हो चुका है और टैक्स ऑन एडवांसेस आपको 1800 शो हो चुका है। अब हमें पता है कि इस टैक्स लायबिलिटी को हमें पे करना पड़ेगा, तो हम पेमेंट के एंट्री में, पेमेंट की एंट्री लोगों ने बताई नहीं, तो पेमेंट की एंट्री में मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से होगी। जैसे आप 2/8 को सपोज पेमेंट कर रहे हैं, तो आप F5 में आइए और ऑल्ट एस स्टेट पेमेंट कर दीजिए। GST आपको शो हो गई, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये पेमेंट का पार्ट था, यानी टैक्स लायबिलिटी हुई थी। पेमेंट टाइप में हम कर देंगे कि एडवांस से रिलेटेड है, तो हम एडवांस करके कैश सेलेक्ट कर लेंगे या चेक से, तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम CGST 900 और SGST 900 पे कर देंगे, जिससे टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी और आप उसको पे कर दोगे। प्रोवाइड GST डिटेल में यस, और जो भी आपका पार्ट है हमारा कैश है, तो हम कैश की डिटेल भर देंगे। अब ये आपने जो टैक्स ऑन एडवांस डेबिट में क्रिएट किया, तो ये आपको बाद में एंड भी करना पड़ेगा। पर सपोज हम इस मंथ हम सेल्स इनवॉइस इशू कर देते हैं, जैसे माना 31 अगस्त को सेल्स इनवॉइस इशू कर दी, तो F8 में आए हम और हमने नया बिल इशू कर दिया सेल्स का, सेल्स लोकल 18%। यहाँ पे हम कंप्यूटर प्रिंटर 5 पीस सेलेक्ट कर लेते हैं और 5 पीस अराउंड हम मान लेते हैं 6,000 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं। और यहाँ पे हम CGST 9% और SGST 9% सेलेक्ट कर लेते हैं। तो न्यू रेफरेंस में से पहले हमें इसको अगेंस्ट रेफरेंस करना पड़ेगा, जिससे 10,000 एडजस्ट हो जाए। फिर जो पार्ट है बाकी आपका न्यू रेफरेंस में अपने आप आ जाएगा, जिसके हम सेल्स -1 लिख देते हैं और ये पार्ट आपका हो गया। इसके बाद अगर आप पार्ट देखेंगे डिस्प्ले में, रिपोर्ट्स में, GST में, GSTR 1 में, तो एक बार मैं व्यू सही कर देता हूँ ऑल्ट वी करके, तो आपको शो हो जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस और इसका सेट ऑफ हो गया है, सेट ऑफ और टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांसेस।
अगर आप बाकी पार्ट को देखना चाहते हैं कि टैक्स ऑन एडवांस को सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो उसको आप F7 में जाके डेबिट से क्रिएट कर सकते हैं। इसका वैसे कोई एडजस्टमेंट ऑल्ट जे में नहीं दिया गया है, तो इसका एडजस्टमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इनपुट लेनी है, सपोज मेरे में ये एजुकेशनल मोड है तो इसलिए लिमिट है, तो मैं डेट दोनों ले लेता हूँ। सपोज आपको अगर इसकी इनपुट लेनी है, तो आप CGST जो भी आपका टैक्स था 1800, और बाय में आके SGST 1800, इसकी आप इनपुट ले लेंगे, और टैक्स ऑन एडवांसेस का जो पार्ट था आपका, उसको आप राइट ऑफ कर देंगे। सॉरी 1800 नहीं, 900, क्योंकि मेरा 10,000 का एडवांस था। 900 ले लेंगे आप, और टैक्स ऑन एडवांसेस आपका 1800 आ जाएगा, जिससे ये पार्ट आपका शो हो चुका है कि एडजस्टमेंट हो गया। और टैक्स ऑन एडवांसेस अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, तो आपको खत्म हो चुका है दिख रहा है। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको 3600 इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2700 था, जिसमें से 900 की सेट ऑफ आपको मिल चुकी है। तो ये 1800 1800 का टैक्स आपको गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि 2700 में से 900 का पार्ट हम सेट ऑफ कर चुके थे, इसलिए हमें 1800 ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये तो बात हुई सेल्स इनवॉइस जो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हुई। अब सपोज अगर हमें एडवांस मिलता है किसी पार्टी से, जैसे मैंने F6 किया, ऑल्ट वी किया, और मुझे इसको कैंसिल करना है, तो सबसे पहले मैं एडवांस रिसीव कर लेता हूँ। तो मैंने 1/10 मुझे एडवांस मिला 1 अक्टूबर को, मैंने कैश सेलेक्ट किया और ऑल्ट सी करके मैं पार्टी को नया नाम बना लेता हूँ, जैसे SK ट्रेडर्स। इसको मैंने डेटर्स में डाल दिया है, मेंटेन बैलेंस यस, सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस कर देता हूँ, और कोई भी इसकी डिटेल भर देता हूं, ये मैंने फिल कर दिया। या मैं स्टॉक आइटम जैसे कंप्यूटर प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ, अमाउंट में लिख देता हूँ वही, जैसे समझने के लिए आपके 10,000। तो ये आपका एडवांस में आ चुका होगा, और इसको मैंने ADV-2 दे दिया। जैसे ही ये पार्ट हुआ, अब आप चाहे तो डिस्प्ले में स्टेचुअली रिपोर्ट में GST में जाके देख सकते हैं कि हमें एडवांस दिख रहा है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का। फिर आपने F7 में सपोज करो इसकी 31/10 की एंट्री टैक्स लायबिलिटी की इंक्रीज करने की कर ली, ऑल्ट जे आपने प्रेस किया, GST इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेस, टैक्स ऑन एडवांसेस 1800, 2 में आके आपने SGST 900 और CGST 900 सेलेक्ट की। अब यही पार्ट आपको डिस्प्ले में, रिपोर्ट में, GST में एडवांस नाम से शो हो रहा है। तो आपको अगर ये दिख रहा है कि इंक्लूडेड इन रिटर्न, इधर आप जाके इस पार्ट को कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो रिटर्न में गए, एडवांस सिप अंदर गए, SK ट्रेडर दिख रहा है, यहाँ पे एक्सक्लूड वाउचर आपको शो हो जाएगा, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन जो आपका टैक्स है, उसका इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में शो हो रहा है, क्योंकि आपने अभी टैक्स ऑन एडवांस टू CGST और SGST कराया, तो क्रेडिट का पार्ट आपको लाइबिलिटी में शो हो रहा है। तो उसको हटाने के लिए हमें एक और एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम वापस से वही ऑल्ट जे स्टेट एडजस्टमेंट में आते हैं, GST। अब हमें टैक्स लाइबिलिटी को क्योंकि डिक्रीज करना है, तो हम डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में, और कैंसिलेशन करना है एडवांस रिसिप्ट को, तो एडवांस रिसिप्ट कैंसिल हो गई। बाय में हम आके यहाँ हमको कैंसिल करना है, तो CGST क्रेडिट थी उसको कैंसिल करके हमने 900 कर दिया। तो जैसे मेरा पहले से ही 1800 का पार्ट था जो टैक्स का, इसलिए 1800 शो हो रहा है। तो अगर आप नई कंपनी में करेंगे, तो आपको ये जीरो पार्ट शो हो जाएगा। मेरा 1800 प्रीवियस सेल्स की एंट्री की वजह से हो रहा है, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाला एडवांस रिसिप्ट और नेक्स्ट मंथ का एडजस्टमेंट बताया। तो ये टैक्स और एडवांसेस आपका जीरो हो चुका है। इस तरीके से आपका ये पार्ट सारा क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंच पाएगी। थैंक यू।